प्रो कबड्डी सीजन 8 में कुल यहाँ पे 81 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पे मैं आपको टॉप 10 डिफेंडर्स का बताने वाला हूँ कि आखिर कौन से डिफेंडर के पास सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स है। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो से बात करते हैं नंबर 10 की। तो गाइस यहाँ पे नंबर 10 पे है सुमित। या दोस्तों सुमित यूपी उदय की टीम की तरफ से खेल रहे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिखाया है। इन्होंने कुल 14 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 33 टैकल पॉइंट्स है एंड 33 टैकल पॉइंट के साथ सुमित नंबर 10 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 की। तो गाइस यहाँ पे नंबर 9 पे है रिंकू। जहाँ दोस्तों रिंकू युवा की टीम की तरफ से खेल रहे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिखाया। इन्होंने कुल 13 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 34 टैकल पॉइंट्स है एंड 34 टैकल पॉइंट के साथ रिंकू नंबर 9 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की। तो गाइस यहां पर नंबर 8 पे है नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों नीतीश कुमार यूपी उदय की टीम की तरफ से खेल रहे, इन्होंने भी कुल 14 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 34 टैकल पॉइंट्स है एंड 34 टैकल पॉइंट के साथ नीतीश कुमार नंबर 8 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की। तो गाइस अब नंबर 7 पे है नीरज कुमार। जी हां दोस्तों नीरज कुमार पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे, लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। इन्होंने कुल 12 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 36 टैकल पॉइंट्स है एंड 36 टैकल पॉइंट के साथ नीरज कुमार नंबर 7 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की। तो गाइस अब नंबर 6 पे है सुरेंद्र नारा। जी हां दोस्तों सुरेंद्र नारा हरियाणा सिलेस की टीम की तरफ से खेल रहे, इन्होंने कुल 14 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 37 टैकल पॉइंट्स है एंड 37 टैकल पॉइंट के साथ सुरेंद्र नारा नंबर 6 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की। तो गाइस अब नंबर 5 पे है मोहम्मद रेजा चियाने। जी हां दोस्तों मोहम्मद रेजा चियाने ने कुल 12 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 39 टैकल पॉइंट्स है एंड 39 टैकल पॉइंट के साथ मोहम्मद रेजा चियाने अभी नंबर 5 पे एंड पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे। इन्होंने अभी बहुत कम मैचेस खेले अगर कंपेयर किया जाए बाकी डिफेंडर्स से। अगर ये भी उतना मैचेस खेल लेते तो यहाँ पे ऑफ कोर्स टॉप 3 डिफेंडर्स की लिस्ट में मोहम्मद रेजा चियाने आ जाने वाले। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की। तो गाइस अब नंबर 4 पे है सुरजीत सिंह। जी हां दोस्तों सुरजीत सिंह तमिल थलास की टीम की तरफ से खेल रहे, इन्होंने कुल 13 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 41 टैकल पॉइंट्स है एंड 41 टैकल पॉइंट के साथ सुरजीत सिंह नंबर 4 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की। तो गाइस अब नंबर 3 पे है सौरभ नंदल। जी हां दोस्तों सौरभ नंदल बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेल रहे, इन्होंने कुल 15 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 47 टैकल पॉइंट्स है एंड 47 टैकल पॉइंट के साथ सौरभ नंदल नंबर 3 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की। तो टॉप 10 डिफेंडर्स के लिस्ट में नंबर 2 पे है जयदीप। जहां दोस्तों जयदीप हरियाणा सिलेस की टीम की तरफ से खेल रहे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। इन्होंने कुल 14 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 49 टैकल पॉइंट्स है एंड 49 टैकल पॉइंट के साथ जयदीप नंबर 2 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 की। तो गाइस अब टॉप 10 डिफेंडर्स के लिस्ट में नंबर 1 पे है सागर। जहां दोस्तों सागर तमिल थलास की टीम की तरफ से खेल रहे, इन्होंने कुल 13 मैचेस खेले जिसमें से इनके पास टोटल 49 टैकल पॉइंट्स है एंड 49 टैकल पॉइंट के साथ सागर टॉप 10 डिफेंडर्स के लिस्ट में नंबर 1 पे। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि टॉप 10 डिफेंडर्स के लिस्ट में आपका फेवरेट डिफेंडर अभी कौन से पोजीशन पे, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस कोई पैन कर दे बड़ा आपको थोड़ी पसंद आए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोड़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस मुझे आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।